इधर इंदौर में टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान लगातार जारी है। मंत्री तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह ने सभी व्यापारी और यूनियन की बैठक की, जिसमें सभी को जागरूक करने और अपने साथियों को वैक्सीनेट कराने की सलाह दी गई। वहीं लोगों की हौसला अफजाई के लिए सिलावट अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने खुद ऑटो रिक्शा चलाया और लोगों को संदेश दिया। वहीं ऑटो ड्राइवर ने यह बताया कि अगर हम सुरक्षित होंगे तो औरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ऑटो की स्क्रीन पर लगा रखा है, ताकि सवारी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। राष्ट्र में और मध्य प्रदेश में सबसे पहले इंदौर कोशिश करेगा, प्रयास करेगा कि इसमें हम वैक्सीन 100% अतिशीघ्र लगाकर इसके लिए भी हम नया कीर्तिमान स्थापित करें। ये हमारी कोशिश थी, ये हमारा प्रयास था। उसी को देश को, उसी के लक्ष्य को लेकर, उसी संकल्प को लेकर हमने आज ये बैठक की। समस्त सब ऑटो वाले भाइयों से बोलना चाहता हूँ कि सब लगवाए और उसके बाद में कि उसी के बाद में फिर सब सवारियों को एंट्री दे। इससे अपन का सब वैक्सीनेशन का भी काम पूरा हो जाएगा और इससे अपनी भी घर की सुरक्षा रहेगी और अपनी भी सुरक्षा रहेगी।